ईडी ने मंगलवार को चीनी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी वीवो पर कार्यवाही की। आपको बता दें कि ईडी ने उससे जुड़ी फर्मों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में देश भर में 44 जगहों पर तलाशी जारी की है। इतना ही नहीं, चीनी मोबाइल फोन कंपनियां आईटी और ईडी के निशाने पर है। वहीं ईडी ने इस साल फरवरी में शाओमी के अवैध रूप से पैसे भेजने के मामले में जाँच शुरू की थी। आपको बता दें कि ईडी के अनुसार शाओमी ने भारत में 2014 में काम शुरू किया और 2015 में पैसे भेजने का काम शुरू किया। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।